मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर एक स्पेसिफाइड हीट एक्सचेंजर है जिसमें एयर और वाटर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, जिससे कि वाटर का टेम्परेचर रिड्यूज होता है। इसमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वेपरेट होता है, जिससे कि इनका वाटर का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। कूलिंग टावर जो है वो रिमूव हीट फ्रॉम ए बिल्डिंग, कूलिंग ए स्ट्रीम ऑफ वाटर इनटू लोअर टेम्परेचर यूजिंग एवेपरेशन। लार्ज कूलिंग टावर आर यूजली यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक पावर प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इसका यूज जो है पावर प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और वेरियस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग टावर, कूलिंग टावर वर्क बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपरेशन। इन दिस प्रोसेस द सेंसिबल हीट ऑफ हॉट वाटर इज कन्वर्ट इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें हॉट वाटर की सेंसिबल हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और दस रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर टू द एयर। और एयर के कारण वाटर का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कूलिंग टावर ऑन द बेसिस ऑफ एयर फ्लो दो प्रकार के हैं, नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट में कोई भी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एयर को सर्कुलेट कराने के लिए। मैकेनिकल ड्राफ्ट में यूज पावर ड्रिवन फैन मोटर टू फोर्स और ड्रॉ द एयर थ्रू द टावर। इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एयर को इंटर कराते हैं। इनके दो टाइप्स है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर फ्लो, वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग ये दो प्रकार की हैं, क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो होते हैं। तो ये हमारा फिगर है कूलिंग टावर का। इसमें हम हॉट वाटर को इंटर कराते हैं। ये हमारे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है जो वाटर को ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं। एयर को हम एक साइड से इंटर कराया तो ये दोनों को करंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोई फैन नहीं है, फिर एयर का और वाटर का कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट होने के बाद जो एयर होगी वो टॉप से निकल जाती है और वाटर जो है वो बॉटम्स में बॉटम के द्वारा दूसरे डिजायर्ड प्लेस पे भेजते हैं। और फोर्स ड्राफ्ट में यहाँ पे हमने फैन यूज कर रखा है, टॉप पे लगा हुआ है, इसको हम इंड्यूस ड्राफ्ट भी कहते हैं। हॉट वाटर को टॉप से इंटर कराते हैं, एयर को भी एक साइड से इंटर कराया, इसमें भी ये को करंट है। और ड्रिफ्ट एलिमिनेटर के द्वारा जो है यह वाटर जो है ड्रॉपलेट फॉर्म में चेंज हो जाता है, इससे वाटर अपनी सेंसिबल हीट को खो देता है और एयर हमारी टॉप से निकल जाती है और कोल्ड लिक्विड वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है। और यह फोर्स टाइप कूलिंग टावर, इसमें एयर को हम जनरेट कराते हैं फैन के थ्रू, हीट एक्सचेंजर से आने वाले वाटर को गिराते हैं, ड्रॉप फॉर्म में गिरते हैं, फिर एयर का और वाटर का कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट होने के बाद एयर हमारी टॉप से निकल जाती है और वाटर जो है बॉटम पे गिर जाता है। ये क्रॉस फ्लो है, इसमें हम एयर को एक साइड से और वाटर हमारा टॉप से जाता है, तो यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो क्रॉस करंट है। तो वाटर और एयर का कॉन्टैक्ट होता है और ये हमारा फैन है, वो टॉप से हमारी एयर निकल जाती है, वाटर जो है बॉटम पे गिर जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कूलिंग टावर। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।